हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ओके, और जिन्होंने भी मॉक देना स्टार्ट कर दिया है उनकी ये कॉमन सी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में कि सर हमें एलआरडीआई सेक्शन में जो पहला एक सेट है यानी कि जो पहला एक और दो सेट है इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि मैं एक रॉन्ग सेट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और फिर वहाँ पे काफी नेगेटिव स्कोर भी आ जाता है कई सारे बच्चों के। तो आज की वीडियो में ये चीज समझते हैं हम डिटेल में कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए द फर्स्ट इनिशियल वन और टू सेट्स जो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। अ क्विक रिमाइंडर गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एज वेल, ओके, ताकि आपको सारी अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती रहेंगी यहां पे। एंड अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहली चीज ये करना है, द फर्स्ट 5-6 मिनट्स ऑफ द टाइम, ओके, 40 मिनट्स का आपका सेट है, सेक्शन है ये 40 मिनट्स का आपका जो एलआरडीआई का सेक्शन है, करना क्या है कि जो पहले 5-6 मिनट है इसके अंदर आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन से ऐसे एक या दो सेट हैं जिनके ऊपर आप बाकी का टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यानी कि अगर आप जो नेक्स्ट 35 मिनट्स की बात करने जा रहा हूं मैं, ओके, 5 मिनट के बाद जो 35 मिनट्स बचेंगे, ये 35 मिनट्स आप कौन से दो या तीन सेट को सॉल्व करोगे, उसके ऊपर एफर्ट डालोगे, ये आपको पहले 5 मिनट में ही डिसाइड कर लेना है गाइस। ओके, अच्छा, क्या करना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए, क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, आई विल टेल यू दैट, ओके, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन ये चीज समझ के चलो कि आपको अगले 35 मिनट्स के डिसीजन आपको स्टार्टिंग में ले लेना ये बहुत जरूरी है। एक सेट को रफली 1-1.5 मिनट्स तक आप टाइम दे सकते हो, ओके, 1-1.5 मिनट में आप उस सेट को रीड करो, क्वेश्चंस भी रीड करो, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मेन पैराग्राफ रीड करना है, क्वेश्चंस को भी रीड करो, स्कैन करो, समझ में आएगा आपको कि इसमें क्या करना है आपको। ओके, ग्रेट, चलो नेक्स्ट थिंग, डोंट जज अ सेट बेस्ड ऑन इट्स लेंथ। अरे सर इतना लंबा था, इसके अंदर इतने बड़े बड़े टेबल बने थे, तो सर मैंने सोचा कि यार ये सर बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, ओके, किसी भी सेट को जज करने के लिए आपको उसको रीड करना चाहिए, कम से कम 1-1.5 मिनट का टाइम स्पेंड करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको देखने में लगा कि ये डिफिकल्ट है, डोंट गो विद दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो सेट लंबा होता है वो हमेशा इजी होता है, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, ओके, बट यू कैन नॉट मेक, ओके, प्री कंसीव्ड नोशन, ओके, विद रिगार्ड्स टू दिस कि लेंथ लंबा है तो इजी होता है, लेंथ लंबा है तो टफ ही होता है, या बहुत बहुत कैलकुलेशन बेस्ड होता है, ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, कभी होगा भी कभी नहीं भी होगा, सो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ सेट को देख के उसके ऊपर व्यू मत बनाइए, ओपिनियन मत बनाइए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब उसको एनालाइज करता है फिर रियलाइज होता है कि सर ये तो कितना इजी सेट था, मैंने तो उसको देख के डर गया, मैंने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, नाउ गोइंग अहेड, पे अटेंशन टू स्पेशल वर्ड्स। अब ये स्पेशल वर्ड्स क्या होते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कि बहुत स्पेसिफिकली आपको जो पूरे सेंटेंस की मीनिंग है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको एक वर्ड आप देखोगे एक्सेप्ट, ऑल दिस इज हैपनिंग एक्सेप्ट फॉर दिस, ओके, या ऑल वर्ड जो है, ओके, ये या ओनली वर्ड यूज होता है, ओके, सम वर्ड यूज होता है, कई बार नेगेटिव वर्ड में जैसे नॉन एग्जिस्टेंट या नॉन करके होता है, ओके, ये वर्ड जो है ना उस सेंटेंस की पूरी पूरी मीनिंग बदल देते हैं, और कई बार बच्चे रीड करने में ऐसे वर्ड्स को मिस कर देते हैं रीड करना, एंड दैट इज व्हाई यू अंडरस्टैंड, ओके, यू हैव अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। सो जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं ना इस पे ध्यान देने की जरूरत है, पे अटेंशन, ये आपके सेंटेंस को या आपके क्वेश्चन को कई बार ना इफ कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, इफ दिस इज हैपनिंग देन व्हाट, ओके, यूज नो डेटा फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस, ओके, सो दीज आर सम ऑफ दोस स्पेशल वर्ड्स जिनको आपको फोकस करना चाहिए, एंड दिस इज नथिंग बट इन सिंपल वर्ड्स आई एम टेलिंग यू टू हैव अ क्रिटिकल रीडिंग। ऐसा रीड करो कि आप हर चीज को ध्यान से रीड कर रहे हो, ताकि आप उसकी मतलब जो उसकी मीनिंग है वो आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ओके, अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके, वेरी क्रूशियल, रीड एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द सेट केयरफुली। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि सर पढ़ना शुरू किया, पढ़ के लगा कि नहीं सर ये नहीं हो पाएगा और आपने छोड़ दिया, यार कम से कम आधा सेट तो पूरा रीड करो अच्छे से, ओके, ढंग से रीड करो अच्छे, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लूज कि क्या क्लू दे रहा है वो, ओके, जो क्लू दे रहा है, ओके, उसको चाहिए तो प्लॉट करने की कोशिश करो, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्ट सॉल्विंग द सेट, बट अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, एटलीस्ट पुट इन गुड एफर्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेट। अगर आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द सेट के जो क्लूज है पढ़ने के बाद आपको लग रहा है इट इज कंप्लीट ग्रीक एंड लैटिन, कुछ अलग ही बात कर रहा है, ठीक है, देन स्किप इट, इसको आप स्किप करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ तो सेंस बना रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ये मुझे इजी लग रहा है थोड़ा, ओके, दैट इज वेयर, दिस इज वेयर यू हैव टू टेक द डिसीजन कि हर सेट को इस तरीके से मार्क किया करो R1, R2, R3 क्या है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। आपने पैसेज रीड किया, आपको एकदम ग्रीन लैटिन लग रहा है, यार ये तो कुछ अलग ही लेवल का सेट है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा मेरा टाइम चला जाएगा, इसको तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, जस्ट मार्क दैट सेट एज R3, यानी कि थर्ड राउंड, अगर मुझे जब लास्ट टू लास्ट अगर टाइम मिला तो मैं इस सेट पे आऊंगा, वरना इस सेट पे मैं नहीं आ रहा हूं।
ओके अच्छा, कोई सेट रीड करके आपको लगा कि फर्स्ट हाफ आपने रीड किया, अरे ये तो काफी इजी लैंग्वेज है, ये तो समझ में आ रहा है, इसके क्वेश्चन देखे मैंने वो भी मुझे समझ में आ रहे हैं, तो ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये मुझे इजी लग रहा है, टेक इट आर वन। ओके तो आपको मार्क करना है जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो ना, दैट वन एंड हाफ मिनट्स में आपको ये डिसीजन लेना है कि इस सेट को मैं आर वन मार्क करूं, आर टू मार्क करूं, आर थ्री मार्क करूं। ऑब्वियसली जो आर वन है, ओके ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो सेट आपको आर वन लगेंगे, तो अगर आपको दो सेट आर वन लगे देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा ज्यादा प्रिफर्ड है, फिर आप उससे स्टार्ट करो, टेक दिस एज अ सेकेंड सेट। Okay, so this is how you are supposed to take a decision. Read the set, okay, in the way that I have told you. Okay, उन special words पे ध्यान दो, length को लेके decide मत करो. Okay, उन सब चीजों पे ध्यान देना है आपको. और अगर आपने ये सब किया है, तो पहली बात तो ये सारी चीजें आपको mocks में ही काम करेंगी. All these will work only in mocks. बैठ के खराब, you know, सिर्फ आप set solve कर रहे हो, वहाँ पे ये चीज नहीं होगी. वो एक practice session है. But जो question selection की बात है, वो आप mocks में ही कर पाओगे. तो obviously try all of this in the mock, okay, so that you can apply this and eventually your scores will start increasing. Chalo, great guys, all the best. Okay, and any questions, any doubts, put it in the comment section. Bye-bye.